अब हम आपको बता दें कि आराध्या बन गई है महारानी और पहुंच गई है आर्यन और शर्वणी के पास उस हवेली को खरीदने के लिए जिसमें वो कभी रहा करती थी। लेकिन यहाँ कहानी में आता है ट्विस्ट, जब महारानी बनी आराध्या पर आर्यन को होता है शक और वो शर्वणी को बोलता है कि जाकर उसके पैर में तिल को चेक करे। शर्वणी जाती है लेकिन उसे तिल नहीं दिखाई देता और ये बात आर्यन को पता चलेगा और वो खुद करता है तिल देखने का फैसला, लेकिन तभी महारानी उसे लगाती है फटकार।